इशिका कौन है? क्या हुआ इशिका? ये क्या किया अमृता? मैं तो प्यार से बात कर रही थी ना तुमसे। इशिका क्या हुआ, चोट लगी? कुछ नहीं, वो अब वो नाराज है ना मुझसे, इसलिए अपना गुस्सा मुझ पे ऐसे उतार रही है, मेरे पैर पे दरवाजा मार के। वो ये झूठ बोल रही है? बाबा मैं कब से इनकी बकवास बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरी जगह कोई और होता ना शायद सच्ची में था। चुप, बात करने की तमीज ही भूल गई। यहाँ क्या करने आई थी इतनी सुबह, क्या काम है? मुझे धमकी देने और क्यों? बाबा मैं बहुत दर्द हो रहा है जयेश, बहुत दर्द हो रहा है। कम 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 सब ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज मैं देखता हूँ कुछ। बाबा मैं बस आपसे बात करना चाहती थी, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी, दरवाजे पे रोक रखा था मुझे। और तूने इसीलिए पैर पर दरवाजा मार दिया है ना? कहां से सीखा ये सब गुंडागर्दी? अपनी आई से? बाबा मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको इसकी बात पर भरोसा है जो मुझे अपने ही घर में आने से रोक रही है? मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें, ये तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा। आपने नहीं कहा मुझसे कि अगर मैं यहाँ से गई थी तो वापस क्यों आई हूँ? हाँ हाँ मैंने कहा था जय, लेकिन इस टोन में नहीं कहा था। मैंने तो प्यार से पूछा कि तुम अपने बाबा को हर्ट करने के लिए अपनी आई के साथ गई क्या? इसका ऐसे करने से मैं देख सकती हूँ ना तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही। मैं बस तुम्हारी परवाह करती हूँ जय। ये कोई परवाह नहीं करती आपकी बाबा। अगर परवाह करती तो मेरे बारे में आपसे मेरे सामने तो झूठ नहीं बोलती ना। मेरी आई से उनका घर छीन लिया, मुझसे मेरे बाबा को छीनना चाहती है, और कितना बुरा करके शांति मिलेगी तुम्हारे मन को? चुप कर, तमीज नहीं बात करने की है? ये तरीका है बात करने का इशिका से? इशिका से इस ढंग से बात नहीं करना, समझे ना? माफी मांग। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तो इस घर में आने की भी जरूरत नहीं तुम्हें। अगर नहीं माफी मांग सकती तो घर में आने की जरूरत नहीं है। इशिका की इज्जत मेरी इज्जत है, और अगर कोई इसकी बेइज्जती करेगा ना तो इस घर में आने का अधिकार नहीं उसको। समझ में आई बात बेटा? दोबारा समझाओ, अगली बार तभी आना जब इशिका से माफी मांग सको, समझी? अभी जाए, चलो चलो। जो बाबा बिना कहे जान जाते थे कि मुझे क्या कहना, आज मेरे चीख चीख के सच बोलने पे भी आप सुन नहीं, मेरा यकीन ही नहीं कर रहे। हमारी टीम टूट गई बाबा, हमेशा के लिए। कैसे मुझे तुम मिल गए? डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।